तो सभी लोगों को मेरे चैनल एडोसोप में स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर ब्रीडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को शुरू करने जा रहे हैं। ये क्लास 11 एनसीईआरटी का ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकेंड नंबर चैप्टर है। इसके पहले हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, तो चलिए ब्रीडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम शुरू करते हैं आज। तो सबसे पहले ब्रीडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को शुरू करने से पहले दो टर्म्स आप समझ लीजिए। एक है ब्रीडिंग और दूसरा आप हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या ये दोनों सेम टर्म्स है? आपको क्या लगता है? ये सेम टर्म्स तो नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन हम इसको सेम तरीके के बातचीत में इसको यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ब्रीडिंग क्या होती है समझ लीजिए, एयर को अंदर लेना और उसको बाहर करना, इसको मेनली ब्रीडिंग कहा जाता है। लेकिन रेस्पिरेशन क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस है जिससे एयर अंडर जाती है, फिर बॉडी टिश्यूज तक जाती है, फिर उस एयर का, फिर एयर से हम क्या करते हैं, उस एयर का यूज़ करते हैं हमारे सेल्स रेस्पिरेशन करने में, फिर अपना एनर्जी बनाते हैं उस ऑक्सीजन की मदद से। तो वो पूरा प्रोसेस चलेगा, फिर अंडर रेस्पिरेशन के प्रोसेस चलेंगे, फिर वहाँ से CO2 जो होगा वो बाहर निकलेगा, आउट होगा, फिर वो लंग्स के थ्रू फिर बाहर चला जाएगा, आउट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन अगर सिर्फ हम एयर इन और आउट की बात कर दें तब वो सिर्फ ब्रीडिंग कहलाती है। तो आपको समझ आ गया इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस, तो हम ये समझ गए होंगे आप। तो अब ब्रीडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को शुरू करते हैं। तो हमें आखिर एयर की क्यों ज़रूरत पड़ती है, एयर हमें क्यों चाहिए, क्यों हम सांस क्यों लेते हैं? ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो आप चैप्टर से पहले हमें जानना ही होता है। तो हमें क्यों चाहिए होता है, क्योंकि एयर के अंदर हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है जिससे हम कंबसन या अंदर के रिएक्शंस को कर सकते हैं, जिससे हमें ATP मिलती है। क्योंकि हमें पता है रेस्पिरेशन प्लांट्स में आप पढ़ते हैं कि लास्ट स्टेज में ऑक्सीजन एक फाइनल हाइड्रोजन रिसेप्टर की तरीके से काम करता है, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ऑक्सीजन हमें क्यों चाहिए, हमें रिएक्शंस के लिए चाहिए, बॉडी के अंदर वाली रिएक्शंस जिसमें हम ATP सिंथेसिस कर सके। तो इसकी वजह से रेस्पिरेशन, एयर लेना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी वजह से ब्रीडिंग का पूरा सिस्टम है ऑर्गेनिजम्स में। तो ब्रीडिंग करने के लिए ब्रीडिंग के कुछ ऑर्गेन्स भी होंगे। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स की बात करते हैं, वो ऑर्गेन्स जिनसे हम सांस लेते हैं तो उनको रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स कहा जाता है। तो अब हम बोलते हैं लोअर इनवर्टिब्रेट्स। लोअर इनवर्टिब्रेट्स मतलब एकदम नीचे वाले इनवर्टिब्रेट्स। जैसे कौन आ जाएंगे इनमें, स्पॉन्जेस, नीडेरियंस, इन सब का डिस्कशन हमने एनिमल किंगडम में किया था, नीडेरियंस, टीनोफोर्स और प्लेटीहेलमेंथिस वगैरह। तो इन सब में क्या होता है, इन सब में एकदम ऑर्गेन सिस्टम तो बना ही नहीं है। तो ऑर्गेन सिस्टम बना नहीं है तो इनमें सिर्फ कुछ ऑर्गेन्स होंगे, स्पॉन्जेस में तो टिश्यू भी नहीं है। तो इनमें क्या होता है, बॉडी सरफेस से, बॉडी इनका जो बॉडी सरफेस है वहाँ के थ्रू इनमें सिंपल डिफ्यूज़न होता है, सिंपल डिफ्यूज़न होता है। तो ये सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू ऑक्सीजन अपने जो एयर है उसको अंदर बाहर करते हैं। तो ये पहली बात हो गई लोअर इनवर्टिब्रेट्स की। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आता है अर्थवर्म। इस अर्थवर्म तो आपने देखा ही होगा। तो अर्थवर्म का क्या होता है, जब आप अर्थवर्म को देखेंगे तो उनका क्यूटिकल जो होता है, स्किन का लेयर होता है क्यूटिकल, वो मॉइस्ट होता है। और अर्थवर्म के अंदर क्या है, ये मॉइस्ट क्यूटिकल से ही रेस्पिरेशन होता है इनका। फिर हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की। तो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेन सिस्टम है इंसेक्ट्स में वो क्या होता है, ट्रैकियल सिस्टम होता है, एकदम ट्यूब ट्रैकियल सिस्टम बोल सकते हैं आप। इनमें ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया के छोटे छोटे ट्यूब्स का इनमें नेटवर्क होता है। तो इनमें नेटवर्क होता है ट्यूब्स का जिनके थ्रू ये एयर लेते हैं। इनमें इंसेक्ट्स में क्या होता है, जैसे कॉकरोच एग्जाम्पल ले लीजिए, तो कॉकरोच में ये सिस्टम प्रेजेंट होता है। कॉकरोच में क्या होता है, ब्लड के थ्रू जो होता है वो एयर मूव नहीं करता, इनमें ट्रैकियल ट्यूब से ही होता है इनका, ये सोचे कॉकरोच से। यहाँ बाहर एक होल होता है जिसको हम स्पाइरेकल बोलते हैं,
उसके थ्रू एयर आता है इनमें। तो ये बात होगी इंसेक्ट्स की। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे गिल्स की। गिल्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। गिल्स किस में होते हैं? एक्वाटिक एनिमल्स में ज़्यादातर पाए जाते हैं। गिल्स से रेस्पिरेशन करने को हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। तो इस ये किस किस में पाया जाता है? ये एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में कौन से आएंगे? कुछ ऑर्थ्रोपोड्स आएंगे, सम लिख देता हूँ, कुछ ऑर्थ्रोपोड्स ये आएंगे एक्वाटिक में। फिर हमारे क्या आएंगे? मोलस्का आएंगे, फिर पूरी मछलियाँ पीसीस, तो ये सब आते हैं मेनली। फिर हम क्या बात करते हैं, और एक क्या चीज़ होती है इनमें, हम बात कर सकते हैं मॉइस्ट स्किन। अब फ्रॉग की बात करते हैं तो मॉइस्ट स्किन से भी होता है। तो मॉइस्ट स्किन या थोड़ा सा नमी जिसमें रहता है स्किन में, उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो ये रेस्पिरेशन जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है, ये किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है फ्रॉग में। फ्रॉग एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें ब्रैंकियल, क्यूटेनियस और अभी पढ़ेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ये तीनों पाई जाती है। अब लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन जो सब ज़्यादातर मैमल्स या एनिमल्स में होता है, तो ये लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन है इसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इंसान भी इसमें ही आते हैं। तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, इसमें लंग्स का यूज़ होता है। तो ये जनरली मैमल्स, आप बोल दीजिए सभी मैमल्स, रेप्टाइल्स में भी पाए जाते हैं, मेनली बर्ड्स में पाए जाते हैं। तो ये बात होगी, और फ्रॉग में भी पाया जाता है। तो ये जनरली ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है लंग्स वाला। तो ये कुछ ऑर्गन्स हो गए जिसकी हमने बात की, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। तो अब हम इंसानों का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, जिस जो हम हमारे में पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसको डिस्कस करने जा रहे हैं हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो अभी हम पहले बाहर का स्ट्रक्चर बात करते हैं। तो हम सांस कहाँ से लेते हैं? अपने नाक से लेते हैं। तो हमारे नाक में दो ओपनिंग होती है। तो हमारे में सबसे पहला बात क्या आता है, पेयर में क्या होता है हमारा एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। तो हमारा नाक पेयर में है, दो होल्स है नाक्स में, तो वो पेयर में है नोज एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, जिसके थ्रू हमारा नेजल पैसेज जाता है, नेजल पैसेज। फिर हम पूरे डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे अच्छे से। तो डायग्राम हम निकाल लेते हैं। तो ये रहा डायग्राम, तो ये रहा हमारा डायग्राम। तो यहाँ ऊपर का पार्ट नहीं बना हुआ है एनसीईआरटी के डायग्राम में, लेकिन आप समझ लीजिए। तो हम ये आपका मुंह समझ लीजिए, ऐसा कोई मुंह है। तो ये रीज़न हमने पढ़ लिया था, क्या बोलते हैं, डायसन एंड एब्जॉर्प्शन में। ये कॉमन रीज़न है जहाँ बोथ विंड पाइप और ट्रैकिया, विंड पाइप जो ट्रैकिया और फूड पाइप इसोफेगस एक साथ खुलती है। तो इसी रीज़न को हम फेरिंग्स कहते हैं, ये कॉमन पैसेज बोल सकते हैं। फिर यहाँ से हमने बात की थी, एपिग्लॉटिस की बात हमने कर ली थी। ये कार्टिलेजिनस फ्लैप है, ढक्कन है, जो खाना आने पर बंद हो जाता है, यहाँ से बंद हो जाएगा ताकि खाना हमारे विंड पाइप में ना चला जाए, जिससे लंग्स में खाना ना चला जाए। तो ये बात हो गई। फिर उसके नीचे आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं जिसको हम बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स को और एक इम्पॉर्टेंट नाम कहा जाता है, साउंड बॉक्स। ये आपका साउंड बॉक्स है, कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स है जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये बात होगी। ट्रैकिया तो आप देख ही सकते हैं, ट्रैकिया एक लंबा सा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ट्रैकिया, जो कुछ समय बाद डाइवर्स हो जाता है दो अलग अलग पार्ट में। ये डाइवर्जन किस में होता है? ये जो डिवीज़न है, डाइवर्सन डिवीज़न जो है, ये जनरली फिफ्थ थोरासिक वर्ट्रिबा में होता है, तो इसमें ये डिवीज़न हो जाता है दो अलग अलग लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में। तो ये हम क्या बोल सकते हैं, पहला ब्रोंकाई जो बना वो प्राइमरी ब्रोंकाई। तो ये सिंगुलर में इसमें ब्रोंकस कहा गया है, तो यहाँ डिवीज़न अलग अलग नहीं दिखाई गया है। तो ये पहला जो बनता है
ये बनता है प्राइमरी ब्रोंकाई, उससे टूट के बनता है सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर उससे टर्शियरी ब्रोंकाई, तो ये कंटिन्यू होता रहता है। तो पहले जो ट्रेकिया है वो डाइवर्स हो जाएगा राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में, फिर एक प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई निकलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्शियरी ब्रोंकाई निकलेंगे, तो ये बात होगी। तो यहाँ ब्रोंकस लिख के समझ दिया गया है। और यहाँ जो लास्ट जो टूटता है टर्शियरी ब्रोंकाई से भी डिवीज़न होंगे, तो लास्ट जो टर्मिनल स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है ब्रोंकियोल, जो बाद में चल कर एल्वियोली बना देता है। तो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, यहाँ से टर्शियरी ब्रोंकाई, और ये सब क्या है, ब्रोंकियोल्स। तो ये बात हो गई। अब ब्रोंकियोल्स तक हमने समझ लिया, ब्रोंकियोल्स क्या है, टर्मिनल पार्ट है, और जो टर्मिनल में लास्ट स्ट्रक्चर बन जाता है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसको हम एल्वियोली कहते हैं। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे एल्वियोली के बारे में। तो और एक बात आप समझ लीजिए, यहाँ मैं बोल रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, ट्रैकिया, ट्रैकिया की हमने बात कर ली। सबसे पहली बात ट्रैकी, 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी, एंड 3 डिग्री मतलब टर्शियरी ब्रोंकाई प्लस इनिशियल ब्रोंकियोल्स, मतलब कुछ कुछ पहले के ब्रोंकियोल्स तक। इन सब में क्या होता है, एक स्पेशल क्या होता है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग्स। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ से आपको एक रिंग दिख रहा होगा, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, सेमी सर्कुलर रिंग है, उस तरफ रिंग नहीं है, सिर्फ एक सामने की तरफ रिंग होती है, तो इसलिए हम इसको इनकम्प्लीट कार्टिलेज से बना हुआ रिंग कहते हैं। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो लास्ट टर्मिनल स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एल्वियोली। तो एल्वियोली का तो एक डायग्राम अगर आप देख लेंगे तो ये कुछ ऐसा टाइप का डायग्राम होता है, ये सेल से बना होता है, ये सेल्स रहे, जल्दी बना देता हूँ इसको, ये पर्टिकुलर सेल्स रहे, छोटे छोटे थिन सेल्स। तो ये रहा हमारा कुछ एल्वियोली का डायग्राम, जो आपको वहाँ छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये जो छोटा स्ट्रक्चर है इसको मैंने बड़ा करके दिखाया है। तो ये टर्मिनल ब्रोंकियोल आप बोल सकते हैं, तो टर्मिनल ब्रोंकियोल से ये एल्वियोलाई खुला, इस एल्वियोलाई में जो एयर है यहाँ तक पहुँचेगा, और इसका लेयर क्या है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का लेयर होता है इसमें, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, इसी लेयर की वजह से ये डिफ्यूज़न बाउंड्री बना देता है आपका, जिसके थ्रू एयर डिफ्यूज़ करते हैं, कैसे डिफ्यूज़ करते हैं वो बाद में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये डिफ्यूज़न बाउंड्री बना देता है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर होता है एल्वियोली का, जो आप डायग्राम में देख लिए हैं, तो ये आप याद कर लीजिए। तो इतना तक हमने पढ़ लिया। फिर हम एल्वियोली की जब बात कर रहे हैं तो हमने कर ली, फिर हम पूरा स्ट्रक्चर देख लिया, हमने क्या क्या स्ट्रक्चर कहाँ आता है, हम अब हम ये देख लेते हैं लंग्स की लेयर को क्या बोलते हैं। लंग्स की लेयर को प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये 2 लेयर की स्ट्रक्चर है जिसके अंडर फ्लूइड भरा होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक लंग्स आप समझ लीजिए, तो ये 2 लेयर हो गई ऐसे लंग्स की, तो यहाँ एक फ्लूइड भरा होगा, लिक्विड भरा होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। इस प्लूरल फ्लूइड की वजह से क्या होता है, ये फ्रिक्शन कमाता है, रिड्यूसेस फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन कमाता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन मिलता है, जिसकी वजह से लंग्स को प्रोटेक्शन मिलता है, किससे, सडन जर्क, धक्के लगने से सडन जर्क। तो ये बात हो गई प्लूरल मेम्ब्रेन, ये ऐसा शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम आता है, ये ऐसा शॉक एब्जॉर्बर के रूप में काम आता है। तो ये हो गए आउटर प्लूरल लेयर, ये हो गए इनर प्लूरल लेयर। तो इतनी बात हमने कर ली। फिर अब हम एक बात करते हैं, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ लिया, नाक से हमारा एल्वियोली तक एयर जाता है, लेकिन अभी हर पार्ट से तो एयर एक्सचेंज नहीं होगा, किसी पर्टिकुलर एरिया से ही हमारा एयर एक्सचेंज होगा।
तो जिस तरीके जगह से हमारा एयर एक्सचेंज होता है इसको हम रेस्पिरेटरी पार्ट बोलते हैं, और जहाँ से सिर्फ हवा जाती है उसको कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ से अगर आप ट्रैकिया से शुरू करें तो ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शरी ब्रोंकाई, ये मेनली इतना तक एरिया जो है ये क्या होता है, कंडक्टिंग पार्ट। तो हम पढ़ लेते हैं कंडक्टिंग पार्ट कौन सा होता है। ये वो पार्ट होता है जो सिर्फ एयर को पैसेज में हेल्प करता है, और किस किस काम में हेल्प करता है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें क्या आएंगे, ट्रेकिया आ जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाइज लगभग आ जाएंगे। तो रेस्पिरेटरी पार्ट हमारा कौन सा हो गया, जहाँ से रेस्पिरेशन होता है। तो रेस्पिरेटरी पार्ट में कौन सा आएगा, ब्रोंकियोल्स मेनली आपके और एल्वियोलाई। ये ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई ही वो पार्ट है जहाँ से हमारा एयर एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स हमारे बॉडी तक पहुँचता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के बाहर की तरफ पास हो जाता है। तो ये बात हो गई। तो अभी कंडक्टिंग पार्ट का सिर्फ एयर पैसेज में ही काम है और कुछ काम नहीं है, इसका और बहुत कुछ काम है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इसका एक काम तो हमने समझ लिया, ये एयर पास करता है नाक से, ये एल्वियोली तक एयर लेके जाता है। और क्या होता है, ये क्लियर क्लीन करता है क्या, फॉरेन पार्टिकल को, मतलब एयर क्लीन एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। अगर कोई बाहर का ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह एयर के थ्रू आ गया, तो हमारे नाक में बहुत हेयर टाइप स्ट्रक्चर है और म्यूकस प्रेजेंट है, उसमें वो बैक्टीरिया अटक जाता है, हमारे लंग्स तक नहीं पहुंचने देता। फिर अभी हम अगर कोई बहुत ठंडे एनवायरनमेंट में है, तो वहाँ का एयर क्या होगा, बहुत सारे ही ठंडा होगा। हमारे बॉडी टेम्परेचर से तो बहुत ठंडा एयर हम लेंगे तो अंदर की बॉडी टेम्परेचर ख़राब हो जाएगा, अंदर का मेंटेनेंस ख़राब हो जाएगा उसका। तो ये ह्यूमिफिकेशन करता है, ह्यूमिडिफाई बोल सकते हैं, ह्यूमिडिफाइज एयर, मतलब ये अगर एयर बहुत ही ठंडा है तो उसको गर्म कर लेता है, मतलब एक पर्टिकुलर रेंज का ही एयर को वहाँ तक पहुँचाता है, नहीं तो हमारे बॉडी में हार्म होगा। तो ये बात हो गई कंडक्टिंग पार्ट की। रेस्पिरेटरी पार्ट से क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये बात हो गई। तो हमने पूरे डायग्राम को देख लिया, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ ख़त्म होता है। तो हमने यहाँ देखा, अब ये बात आप ध्यान रखिए, ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया जहाँ रेस्पिरेशन आपका पूरा सिस्टम लोकेटेड है, ये थोरासिक चैम्बर है, ये थोरेक्स का पार्ट है, थोरेक्स का पार्ट है। तो ये थोरेसिक चैम्बर आप बोल सकते हैं। तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये गार्डेड है, तो आगे की तरफ ऐसे स्टर्नम प्रेजेंट होगा हमारा, समझ लीजिए ये लंग्स है, मतलब ये आप समझ लीजिए लंग्स है हमारा। तो आगे की तरफ से ऐसे स्टर्नम होगा और चारों इधर की तरफ से इसमें रिब केस होगा। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये पूरा वेल सराउंडेड है, पीछे बैकबोन होगा। तो यहाँ स्टर्नम हो गया, यहाँ रिब केस हो गया। तो आप समझ सकते हैं हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम आगे से स्टर्नम, साइड से रिब केस और पीछे से बैकबोन से कवर्ड है। तो वेल प्रोटेक्टेड है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, और एयर टाइट चैम्बर है, एयर टाइट चैम्बर। उस डायग्राम में भी आपने देखा हवा कहाँ होगी, नाक से आएगी और एल्वियोली तक जाएगी और एक्सचेंज होगी। हवा कहीं लीकेज नहीं है, कहीं हवा दूसरे ऑर्गेन तक नहीं जा रही, एकदम एयर टाइट चैम्बर है यहाँ पूरा एकदम। तो ये आपने समझ लिया। तो इतना तक हमारा मेन टॉपिक हो गया। फिर एक लास्ट छोटा सा बात कह देता हूँ, तो रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है क्विक वे में बता देता हूँ। ब्रीदिंग तो आपने समझ ली, तो रेस्पिरेशन में हम मेनली क्या क्या पढ़ते हैं। पहले होगा ब्रीदिंग, पहला स्टेप ही होता है ब्रीदिंग, हम सांस लेते हैं, उसको हम और एक टर्म बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन, सांस लेना। तो ये हमारा पहला स्टेप है। फिर क्या होगा, डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस, डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से एल्वियोली में ऑक्सीजन ब्लड में जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। फिर जो नया ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसका ट्रांसपोर्ट। फिर उस ब्लड को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे नए
क्या टारगेट टिश्यू तक या ऑर्गेन तक, फिर वापस डिफ्यूज़न होना, डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस इस बार टिश्यू में होना, ये लिख लीजिए एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में होना और ये टिश्यू में होना। टिश्यू में क्या होगा, हम ऑक्सीजन टिश्यू को देंगे और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, फिर जो ऑक्सीजन लिया है उसका यूटिलाइज करना, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये पर्टिकुलर पूरा स्टेप आता है रेस्पिरेशन में, इसको हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, इसमें ज़्यादा तो यहाँ हमें कुछ पढ़ना नहीं है। इसके बाद हमें मेकानिज़म पढ़ना है, हमने पूरा स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया ब्रीदिंग का, ये पूरा हमने स्ट्रक्चर देख लिया, अब इसमें सांस कैसे लेते, क्या सिस्टम होता है, इसको हमें जानना है। फिर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ आ जाएगी, अलग अलग वॉल्यूम्स की बात करेंगे। फिर एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे होता है या इसको डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ से कैसे कैसे गैसेस अंदर और बाहर होती है इसको पढ़ेंगे। फिर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, फिर डिसऑर्डर्स है, फिर ये चैप्टर ख़त्म होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, तो मैं आशा करता हूँ सबको ये पूरा चैप्टर अच्छे से, आज का पार्ट चैप्टर का अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इस चैप्टर में अभी भी कोई डाउट है आज जो हमने पढ़ा, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए, मैं आपको हेल्प कर दूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये लेक्चर पहुँचे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम मेनली मैकेनिज्म ऑफ ब्रीडिंग ही पढ़ने जा रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।